2022 चुनाव की सियासी तपिश पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कल पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, अब उसी एक्सप्रेसवे पर अपना क्रेडिट लेने में जुटे अखिलेश वहां पर समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले हैं। दरअसल गाजीपुर से अखिलेश यादव आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक समाजवादी विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा में उनके साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी नजर आएंगे। इसके अलावा दोनों पार्टियों के बाकी नेता भी इस रोड शो में आपको दिखाई देंगे। दरअसल इस यात्रा के जरिए अखिलेश की कोशिश भाजपा को जवाब देने की है। वो सुबह 11:30 बजे गाजीपुर के पखनपुर में जनसभा संबोधित करेंगे और वहीं से समाजवादी विजय यात्रा की वो शुरुआत भी करेंगे। यूं तो अखिलेश का ये चुनावी रथ कल ही निकलना था, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और पीएम के दौरे को लेकर सपा मुखिया को इसकी इजाजत नहीं मिली। लेकिन अब जब मौका मिला है तो वो यकीनन भाजपा पर सियासी प्रहार करते दिखाई देंगे। आज तो आज अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा निकालेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकालेंगे, ओपी राजभर उनके साथ होंगे, गाजीपुर से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक की विजय यात्रा करेंगे आज सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तो आज बड़ा दिन समाजवादी पार्टी के लिए। तो देखिए सुबह 11:30 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव, 12:30 बजे रैली को हरी झंडी दिखाएंगे अखिलेश, और दोपहर 2 बजे अरबल किरी करवत हवाई पट्टी वो पहुंचेंगे। राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, तमाम ये बड़े नेता उनके साथ मौजूद होंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि आखिर गाजीपुर से यात्रा निकालने के पीछे अखिलेश की रणनीति क्या है, आखिर क्यों गाजीपुर अखिलेश के लिए इतना खास है, क्यों खास है गाजीपुर, ये अब ग्राफिक्स के जरिए राजेंद्र अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, 2 पर सपा विजयी रही। 2012 में 6 सीटों पर सपा का कब्जा था, 1 पर कौमी एकता दल जीता था। तो हारी हुई सीटों को फिर से जीतने का प्रयास करेंगे अखिलेश यादव। और सपा छोड़कर सुभाष पासी भाजपा में शामिल हुए हैं। सैदपुर सीट से विधायक थे सुभाष पासी। गाजीपुर की हर सीट पर अखिलेश की नजर होगी और पूर्वांचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद सुर्खियों में आ गया है गाजीपुर। और गाजीपुर में रोड शो कर माहौल बनाने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे और ओपी राजभर भी उनके साथ मौजूद होंगे। यूपी के चुनाव में पूर्वांचल पर हर किसी की नजर रहती है। माना जाता है कि पूर्वांचल जिसे आशीर्वाद दे दे उसका सत्ता में आना तय हो जाता है और यही वजह है कि सभी सियासी दल पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चित्रकूट के दौरे पर जाने वाले हैं। यहाँ पर वो महिलाओं के साथ शक्ति संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे चित्रकूट घाट पर ये शक्ति संवाद का कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी चित्रकूट घाट पर शक्ति संवाद का कार्यक्रम करेंगी और बुंदेलखंड में निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचने का प्रयास, वोटर्स तक पहुंचने का प्रयास प्रियंका गांधी का इस संवाद के जरिए और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास। वही राजेंद्र, अगर प्रियंका के दौरे को लेकर हम बात करें तो प्रियंका के चित्रकूट दौरे के पीछे की रणनीति को समझना भी बहुत जरूरी है। आखिर क्यों वो आधी आबादी वाला दांव चल रही हैं? ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं। आधी आबादी वाला दांव जो है वो यूपी विजय के लिए महिला वोटर्स पर नजर बताता है प्रियंका गांधी की। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया पिछले दिनों प्रियंका ने और कांग्रेस ने। 40% टिकट उत्तर प्रदेश में महिलाओं को देने की घोषणा की गई। सरकारी पदों पर नियुक्ति में 40% आरक्षण का वादा किया गया है। सरकार बनने पर स्कूटी और स्मार्टफोन का भी वादा किया गया है। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। और जहरे आपको प्रियंका का आधी आबादी वाला दांव समझाया, लेकिन चुनावी माहौल है तो ऐसे में यह भी आप जान लीजिए कि आखिर प्रियंका ने चित्रकूट को ही क्यों चुना है, कैसे कांग्रेस को बुंदेलखंड में बुलंदी की आस दिखाई दे रही है। और बुंदेलखंड में बुलंदी की आस इस तरीके से समझिए कि विधानसभा की 19 सीटें यहां पर हैं और सभी 19 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा से पहले सपा बसपा का यहां पर दबदबा रहा। बुंदेलखंड में कांग्रेस को जीत की तलाश है
और चित्रकूट से अभियान शुरू करेंगी प्रियंका। बिल्कुल,